हॉस्टल, हम ये आप सबको इनवाइट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है 19 अगस्त को लेट महाराजा वीर बिक्रम माणिक्य किशोर बहादुर देव बर्मन का जन्मदिन है 19 तारीख को, और अगर वो हमारे बीच में होते तो ये 111 इयर्स होता था। जैसे कि हम सबको पता है त्रिपुरा में कि जो मॉडर्नाइजेशन ज्यादातर हुआ है त्रिपुरा में, ये महाराजा वीर बिक्रम के टाइम में हुआ था। और हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि महाराजा वीर बिक्रम उस जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में पैदा हुए थे, और इंडिया में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था उस जमाने में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और उन्होंने जो त्रिपुरा जो अभी हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग बहुत गर्व रखते हैं अपना स्टेट के लिए, ये उनके वजह से इतना आगे जाके डेवलप हुआ। तो आज ये दिन है हमारा कि हमें ये याद करना चाहिए जो कॉन्ट्रीब्यूशंस त्रिपुरा ने अचीव किया था महाराजा वीर बिक्रम के टाइम पे, और उनका जो विजन था त्रिपुरा के लिए आगे बढ़ाने के लिए, नॉट टू बी इक्वल जस्ट विद अदर स्टेट्स इन इंडिया बट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरा विश्व के साथ में एक मतलब चलना चाहते थे एंड हैव एन इक्वल स्टेटस, क्योंकि उस जमाने में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो कोई जानते भी नहीं थे इंडिया के बारे में, मेनलैंड इंडिया या बाहर के लोग, पर त्रिपुरा का नाम उस जमाने में भी था, क्योंकि त्रिपुरा एक बहुत ही पुराना राज्य है, एक जमाने में एक एम्पायर था। तो अभी जो त्रिपुरा में स्थिति है हम लोग देखते हैं, बहुत जगह में सप्रेशन हो रहा है, लोग आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं, डेवलपमेंट एक साइड में है पर दूसरे साइड में बहुत आतंक फैला हुआ है, कम्युनल रायट्स होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज में भी काफी प्रॉब्लम्स है। पर उस जमाने में ये सब नहीं था, महाराजा वीर बिक्रम एक दूसरे टाइप के इंसान थे।